अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे पास जो जैक की स्विंग मशीन है, ये देखें ये आपके सामने जैक है, जैक की स्विंग मशीन है, इसके बारे में। दोस्तों, ये जो सिटल का जो लॉक है, हुक का जो लॉक है, ये बिल्कुल दंदराल वाली लेंक के साथ जो लगता है, इससे मशीन बहुत ज़्यादा भारी चलती है, जाम चलती है। इसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि इसका मसला कैसे हल होगा, तो इसके लिए दोस्तों ये वीडियो बना रहा हूँ कि इसको हमने किस तरह ठीक करना है, ताकि आपकी मशीन जो है वो लूज़ चले और बिल्कुल प्लेन चले। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहला जो काम करना है, ये आपके सामने सिटल लॉक है, ये देख सकते हैं आप। दोस्तों, जब भी आप सिटल लॉक को चेक करेंगे, ये देखना है कि आपने इसकी जो लेंक है, जो बिल्कुल सिटल लॉक जो सीधा है, ये देखें, यहाँ से फासला देख लेना है और यहाँ से देख लेना है। अगर तो सिटल लॉक आपका यहाँ से और यहाँ से बिल्कुल फ़र्क है, एक साइड से ज़्यादा जो लग रहा है इसके साथ और एक साइड से कम लग रहा है, तो फिर तो आपके सिटल लॉक को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपका सिटल लॉक बिल्कुल सीधा है, जिस तरह ये सीधा है, तो आपने क्या करना है, आपने मशीन को उल्टा कर लेना है। ये आपके सामने मैं करके चेक करवा देता हूँ। ये देखें, इसको आपने उल्टा कर लिया। उल्टा करने के बाद ये देखें आपके सामने, यहाँ पे आपको एक पेज नीचे नज़र आएगा, इसको आपने लूज़ करना है। लूज़ करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा वायर की तरफ कर देना है, ये देखें इस तरह। और दोस्तों, इसके ऊपर जो पेज लगा हुआ है, इसको भी आपने लूज़ कर लेना है। इसको आपने लूज़ करना है, जब आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपके जो दंदराल हैं वो ज़्यादा ऊँचे नीचे ना कर लें आप, बस इसको सीधे से इस तरफ कर लेना है। दोस्तों, इसको थोड़ा सा आपने यहाँ पे इस तरफ करना है, दूसरी तरफ यहाँ से कर लेना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपने फिर से इन दोनों पेचों को टाइट कर देना है। इन दोनों पेचों को टाइट करने के बाद अब हम मशीन को सीधा करेंगे। मशीन को जब हम सीधा करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि अब ये सिटल के लॉक के साथ लग रही है या नहीं। ये देखें दोस्तों, अब इसमें थोड़ा सा फासला आ गया है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आपने इसकी सेटिंग कर लेनी है। जब आप यहाँ से इसकी सेटिंग करेंगे, तो आपकी मशीन है जो वो बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करेगी और आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।